Rahim. Uh, very venerable uh, viewers. Uh, today we are going to talk about uh, 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 stability uh, of the temperament and uh, its more aspects which are affecting it, and uh, for the social, psychosocial development of the child. Uh, the another aspect is adaptability. यानी किस हद तक हम अपने आप को मुख्तलिफ सूरतों में एडजस्ट कर सकते हैं हम अपने आप को कितना फ्लेक्सीबल रखते हैं बातों का ऐसा होता है कि एक लम्हा किसी दूसरे फर्द की बात हमें पसंद नहीं है और हम फौरन रिफ्लेक्ट करते हैं फौरन हम एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर यह है कि फौरन हम रिफ्लेक्ट करते हैं डिफरेंटली वाइल यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स वाइल शोइंग अप डिफरेंट जेस्टर्स तो उसमें एडजस्ट करने की सिचुएशन जो है ना वो हर फर्द के अंदर डिफरेंट होती है और अगर यह एडेप्टेबिलिटी हो तो इसका अल्टीमेटली जो असर है वो टेम्परामेंट की स्टेबिलिटी पर पड़ता है इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि हम अपने रिफ्लेक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं हम कहना चाह रहे थे लेकिन हम नहीं कह सके लेकिन हमने नहीं कहना था लेकिन कह दिया ये सारी बातें काउंट करती हैं वट वी आर गोइंग टू से अदर्स एंड उसके जो रिफ्लेक्शन रिएक्शन में हमें बातें मिलती हैं उससे फिर हमारे अपने मिजाज पर चीजें असरअंदाज होती हैं दूसरे की कही हुई बात हमारे मिजाज पर असरअंदाज होती है दूसरे के अदा किए हुए जेस्चर्स जिसने जिसने खास तौर पर हमारे लिए वो जेस्चर मुंह बनाया बॉडी जेस्चर चेंज कर लिए और हम उससे मुतासर होते हैं और इसका असर हमारे अपने टेम्परामेंट पर मुरतब होता है इसी तरह हम मजीद देखते हैं कि जो जो इंटेंसिटी है ऑफ द इवेंट्स के उसमें हम कितनी एनर्जी एक्सर्ट कर रहे हैं किसी भी सूरत में यानी अगर हम किसी से हार्श वर्ड्स में बात कर रहे हैं तो कितना हार्श हम हो जाते हैं जितना हार्शली हम बोलेंगे जितने एग्रेसिव होकर हम आ, बात करेंगे हम समझ रहे होते हैं कि मेरे एग्रेसिव बात करने से हमारे चीखने से दूसरे लोगों पर असर होता है असर तो होता है लेकिन यह है कि उसका अल्टीमेटली हमारे अपने मिजाज पर भी फर्क पड़ता है हमारा अपना टेम्परामेंट बच्चे के अपने टेम्परामेंट पर ए, इसके असर मरतब होते हैं बच्चे पोलाइटली बात करते हैं बच्चे चीखते किस तरह से हैं, बच्चे शोर किस तरह से मचाते हैं ऑलराइट right. एक होता है पॉजिटिव एनवायरमेंट में शोर मचाना एक होता है एग्रेशन के साथ यानी यह है कि आ, वो खाने की कोई चीज थी बर्तन के अंदर थी बर्तन खाली था या जैसे भी था उसको फेंकना और जोर से फेंकना और फिर साथ उसके लाउडली अपने मिजाज और अपने इमोशंस का इजहार करना ये आ, उसके बच्चे के टेम्परामेंट को तो जाहिर कर रहा होता है और उसके अपने टेम्परामेंट पर उसके असर मरतब होते हैं आ, वी टू तो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट रादर इट इज नेगेटिव रादर इट इज पॉजिटिव दोनों सूरतों में एक्सप्रेशन uh, और उसकी इंटेंसिटी लेवल ऑफ एक्सप्रेशन जो uh, है ना वो काउंटेड है एंड इट इज अफेक्टिंग दाइल्ड टेम्परामेंट मजीद हम देखते हैं कि मूड uh, इसका अफेक्ट जो है ना वो यकीन हमारे टेम्परामेंट uh, पर होता है मूड पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या डिग्री ऑफ प्लेजेंटनेस प्लेयर हम प्लेजेंट हैं मूड पर डिपेंड करता है कि हम अपने मूड को कितना फ्लेक्सिबल रखते हैं कितना उसको चेंज कर लेते हैं आ, कुछ लोग आ, मुस्करा के कहका लगा के अपने मूड को सेट रखते हैं मूड से मुराद यह है कि हाउ भाई वी आर रेडी टू रिफ्लेक्ट एनी सिचुएशन और बाज ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द में जो लोग हैं या जहां हम रहते हैं आ, वो लोग हमारे मूड पर असरअंदाज होते यानी उसने हमें बात ही ऐसी कही हमने उससे एक लम्हा के लिए इंटरेक्ट किया लेकिन उसके अंदाज से लगा हमने कोई चीज उससे लेना चाहिए हमने प्यार से उसको की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन यह है कि उसने उसको खेच लिया तो बच्चे बाजुकात इस बात को अपने लिए बड़ा मौसर समझते हैं कि जब हम उनके इजहार के लिए मददगार होते हैं और हम उसके इजहार की तशफी के लिए कि वो क्या चाह रहा है वो कुछ हासिल करना चाह रहा है जो उसके लिए यूजफुल है हम उसको अगर समझते हैं कि उसके लिए यूजफुल नहीं है तो उसको समझाने के लिए हमारे पास कोई तरीकाकार कोई नरम कोई पोलाइट होना चाहिए और अगर हम रिएक्शन के तौर पर उसको ब्रेक कर देते हैं उसको रोक देते हैं और बहुत सारी बातें हम जिस बात में आकर बच्चों को कह देते हैं तो बच्चों के मिजाज पर इसके असर मरत होते हैं और ऑलवेज ऐसा होता है जब भी वो बात करे कोई अच्छी बात करे या नेगेटिव करे खास तौर पर नेगेटिव बात तो हम उसको स्नब करके रोकने की कोशिश करते हैं और उसको बहुत सारी बातें रिफ्लेक्शन में कह रहे होते हैं तो मूड कायम रहता है मूड के कायम रखने से उस मुसलसल उसके कायम रहने से हमारे बच्चों के मिजाज पर असरा अच्छे मुरतब होते हैं अच्छे मूड के असर स्टेबिलिटी ऑफ दामेंट की अलामत है थैंक यू वेरी मच